गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान। आज हम आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में जिस टॉपिक को ले रहे हैं, ये स्टार्ट का टॉपिक है, प्रारंभ का टॉपिक है, ब्रिटिश एंड बंगाल, बंगाल में अंग्रेज, बंगाल में अंग्रेजों ने कैसा अपना प्रभुत्व स्थापित किया, कैसे प्लासी और बक्सर के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों का भारत में और ख़ास करके बंगाल में अपना एक प्रभुत्व स्थापित हुआ। यहाँ पर मैं सबसे पहले आना चाहूँगा इस बिंदु पर। आपको जैसे पिछली क्लास में बता दिया गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ जो यूरोपियंस आए, उन यूरोपियंस के आने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से थी। पहले शुरू में 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी से पहले ये रूट्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ ये लैंड रूट है और खास करके कॉन्स्टेंटिनोपल पर जब अधिकार हो गया ऑटोमन तुर्कों का, तो इसके बाद एक नई भौगोलिक खोजों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और जैसा कि हम जानते हैं कि डियाज है, कैब्रल है और ऐसे बहुत से जो नाविक थे, जो पोर्तुगीज थे, खास करके शुरुआत क्योंकि भारत में पोर्तुगीज की तरफ से होती है, पुर्तगालियों की तरफ से होती है, वो भारत की तरफ आए और धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में व्यापारिक कंपनियां स्थापित होने लगी। तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसियों की ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालियों ने तो अपना पूरा शासन सत्ता ही अपनी यहाँ पर स्थापित कर दी, खास करके गोवा में। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि पिछली क्लास में जैसे बात हुई थी, हमने कर्नाटक युद्धों की बात की और इस कर्नाटक युद्ध के बाद अब स्थिति ये हो गई कि ये यूरोप के लोग पूरब के इस व्यापार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। और इस नियंत्रण करने के दौरान यहां तक स्थिति आती है कि जिसको हम वास्को डी गामा बोलते हैं, वो वास्को डी गामा अपने यहाँ के उत्पादों को, जिनको भारत से ले गया, उनको 60 गुनी कीमत पर जाकर यूरोप में बेचता है। इसका मतलब यह निकला कि पूरब के साथ व्यापार से बहुत लाभ होने वाला है। ऐसे स्थिति में ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का जो परिणाम था वो कर्नाटक के 3 युद्धों के रूप में हुआ। और यहीं से इन यूरोप की शक्तियों ने, चाहे वो इंग्लैंड है यानी अंग्रेज हैं, चाहे वो फ्रांसीसी हैं, इन लोगों ने भारतीय शक्तियों के बीच में एक तरह से हस्तक्षेप प्रारंभ किया और कर्नाटक युद्ध होते हैं जहां से यूरोप वालों की एक प्रभुत्व स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि बंगाल में भी प्रभुत्व की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब एक बात यहां पर आई कि जब हम उस वक्त के भारत को देखते हैं तो उस वक्त का भारत आप देख सकते हैं, दरअसल मोटे तौर पर जब बात करें कि ये ज्यादातर भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये मराठों के नियंत्रण में होता था। इससे भी बड़ा भाग जो आपको दिखाई दिया, क्योंकि कई जगह उनका अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। और दूसरी बात ये आती है, ये पार्ट आप बंगाल का देख रहे हैं जहां बंगाल का नवाब था, इसी तरह से ये इधर गोरखे हो गए और इधर मैसूर, कर्नाटक, निजाम ऑफ हैदराबाद, ये भारतीय परिस्थितियां थी। इन भारतीय परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये यूरोपियंस यहां पर आते हैं। और इसी में हम एक बात और देखते हैं कि आप इस पिक्चर से क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए, ये अंग्रेज हैं, ये यूरोपियंस हैं, ये यहां जब भारत की तरफ आते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक तरह का मुगल स्ट्रक्चर है। इन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये मुगल अधिकारी हैं, ये अंग्रेजों के अधिकारी हैं और ये लोग भारतीय राजाओं से, एक तरह से यूं कहें कि क्या लेना चाहते हैं, व्यापारिक रियायतें। और इसी के अंतर्गत एक आता है शाही फरमान, शाही फरमान जो कि फर्रुख शेर ने जारी किया था, शाही फरमान जो कि फर्रुख शेर ने जारी किया था लगभग 1717 में। दूसरा जो फरमान आता है वो गोलकुंडा के साथ आता है, जिसको हम गोल्डन फरमान कहते हैं। ये खूब क्वेश्चंस में पूछा जाता है, एक तो शाही फरमान, जॉन शर्मन के नेतृत्व में एक अंग्रेजों का दल आया और उसको एक फरमान कहते थे, दरअसल मुगल सम्राट के एक आदेश को, जो मुगल सम्राट आदेश देता था। और इसके अंतर्गत इन लोगों को बंगाल में किस तरह से एक अधिकतम व्यापार में लाभ हो सकता है, जिसके लिए उनको 3000 रुपए वार्षिक के बदले व्यापार करने का अधिकार मिला। इस तरह से इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी आता है, जो आपके सामने पिक्चर आ रहा है, क्लाइव। इस क्लाइव के बारे में बोलते हैं कि ही वॉज फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, वो भारत में एक ब्रिटिश साम्राज्य का क्या रहा, संस्थापक रहा। और क्योंकि इसी ने कर्नाटक युद्धों में भाग लिया, इसी ने
प्लासी में भाग लिया और इसी की बक्सर के बाद भूमिका रही, तो इसको इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में भारी लोकप्रियता मिलती थी। इसके उपरांत हम जब बात करते हैं अगले बिंदु की, ये उस वक्त का बंगाल का नक्शा आप देख लें, जिस तरह से अंग्रेजों ने और यूरोपियंस ने भारतीय इलाकों में बस्तियां स्थापित की, एक्चुअली ये एक तरह की फैक्ट्रियां होती थी, उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ये हुगली है, ये प्लासी है, बक्सर या बिहार में है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। और किस तरह से ये कलकत्ता है, आज का कलकत्ता, किस तरह से ये बंगाल के भीतर प्रवेश करते हैं और किस तरह से धीरे धीरे प्लासी और बक्सर के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने अपने को स्थापित किया। और इसी क्रम में ये पूरा आप स्ट्रक्चरल एक मैप देख सकते हैं यहाँ का। और इसके उपरांत आप जरा एक बार ये भी देख लें मुख्य रूप से क्या स्थिति रही। ये जो प्लासी है, प्लासी है जो कि 1757, ये प्लासी आप देख सकते हैं आजकल का नदिया डिस्ट्रिक्ट है, बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट है। और बक्सर ये आजकल खुद अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है, ये आप देख रहे हैं ये यूपी है और ये बिहार है, इसके बीच का बॉर्डर है। तो ये दो डेट्स भारत के इतिहास में, बंगाल के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से अंग्रेजों का भारत में स्थायित्व या उनका प्रभुत्व स्थापित होता है। जब हम इसके उपरांत की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है प्लासी के युद्ध की। मोटे तौर पर जब हम प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो डेट देते हैं 23 जून 1757, 23 जून 1757। इसमें मूल रूप से एक तरफ बंगाल है, बंगाल का नवाब, और दूसरी तरफ अंग्रेज है। ये अंग्रेज का मतलब आप बिल्कुल इंग्लैंड मत समझिएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। और यहां पे नवाब है कौन, सिराजुद्दौला। और इधर क्लाइव और उसके साथी हैं, इनके बीच में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। अब क्यों हुआ युद्ध, क्योंकि सिराजुद्दौला और क्लाइव यानी अंग्रेजों और बंगाल के नवाबों के बीच में एक तरह का संघर्ष चल रहा था। कौन सा संघर्ष, एक तरह से उनके बीच में विवाद थे, आंतरिक विवाद भी थे, बाहरी विवाद भी थे, व्यापार संबंधी विवाद भी थे और संप्रभुता संबंधी विवाद भी थे। और इसी क्रम में अंततः इसकी परिणति व्यापारिक से होकर के और एक युद्ध के रूप में होती है। आप देख सकते हैं ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इधर क्लाइव है जो कि एक कंपनी का कर्मचारी था, बाद में उसको कर्नल की पदवी मिली, बाद में वो गवर्नर भी बना। और इधर ये नवाब सुजाउद्दौला है, ये उस वक्त का ओरिजिनल पिक्चर है नवाब सुजाउद्दौला का। और एक ये ब्लैक होल ट्रेजेडी आती है लगभग 20 जून की ब्लैक होल ट्रेजेडी आती है। और इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद हम देखते हैं कि बंगाल में प्रभुत्व के लिए प्लासी का युद्ध हुआ। ये आप प्लासी का युद्ध देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है जिसकी संकल्पना की गई है। इसके उपरांत आप दूसरा, ये युद्ध के दौरान की स्थिति है। इसके उपरांत ये बंगाल का नवाब, और क्योंकि भारत में उस समय हाथियों का दौर होता था, अंग्रेज लोग हाथी लेके नहीं आते थे, ये एक प्रक्रिया ऐसे आती है और ये उसकी स्ट्रेटजी है। आज का जो प्लासी है, मैंने अभी आपको बताया था, नदिया डिस्ट्रिक्ट में है और ये भागीरथी नदी बह रही है। किस तरह से अंग्रेजों की सेना है, आप देखिए यहाँ पे नदी मूव कर रही है, एक स्पाइरल फॉर्म में आ रही है, और इधर दोनों साइड से युद्ध होता है। और इसमें क्योंकि मीर जाफर ने, आप देख सकते हैं ये बैटल ऑफ प्लासी डेट हमने इसमें डाली हुई है, जो कि भारत के आधुनिक भारत के प्रारंभ की भी डेट मानी है प्रोफेसर जदुनाथ सरकार ने, जो कि एक महान इतिहासकार रहे। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ। इसके उपरांत देखते हैं, क्योंकि मीर जाफर इसका सिराजुद्दौला का नवाब का सेनापति था, जिसमें सिराजुद्दौला ने भाग लिया लेकिन मीर जाफर ने भाग नहीं लिया, जो मेन सेनापति था। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने एक पपेट नवाब यानी कि कठपुतली नवाब बंगाल में स्थापित किया और मीर जाफर नवाब बना दिया जाता है। और कंपनी को व्यापक व्यापारिक लाभ मिलते हैं और इन्हीं व्यापारिक लाभों से लाभ उठा करके 1760 में, यहाँ पे आप एक बार और देख सकते हैं कि ये मूल रूप से क्लाइव है, जो कि लगभग
एक कंपनी का सर्वेंट बन करके, और बाद में इसने थोड़ा सा सैनिक गतिविधियां भी की बंगाल, खास करके कर्नाटक के युद्ध में, प्लासी में इसने भाग लिया। और ये ओवरऑल आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर देखिए आप ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा है, ये सुन आप लोगों ने सुना होगा, भारत को कहा जाता है कि सोना, जैसे कहते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, ये लोग ऐसे समझा करते थे, सोने की चिड़िया भारत, सोने की चिड़िया भारत। आप देख लीजिए ये एक अंग्रेज है और ये प्रतीकात्मक चित्र है, ये भारत से ये सोना निकाल रहा है। और इसी तरह से युद्धों की प्रक्रिया, ये रॉबर्ट क्लाइव है। अब आप देख सकते हैं इसके उपरांत, बक्सर के युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, कुछ जगह 23 अक्टूबर भी लिखा होगा, 22 अक्टूबर क्योंकि आर्मी का जो डिप्लॉय है, डिप्लॉय करने का तरीका है, वो 21-22 से शुरू हो गया था, इसलिए इसमें दो तीन तरह की डेट्स मिलती हैं। खैर इस बिंदु पर आए कि जब एक्चुअली 1760 में बंगाल में मीर कासिम को अंग्रेजों ने, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये पपेट नवाब बनाने का, कठपुतली नवाब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इसलिए मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम, उसी का दामाद था, मीर कासिम को क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया। लेकिन मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बात नहीं बनी, इसलिए दोनों के बीच विवाद हुआ, और इसी विवाद के चलते दोनों के बीच में पहले और भी युद्ध होते हैं, 1763 में भी एक युद्ध हुआ। बाद में जब स्थिति आई, आप देख रहे हैं यहां पर एक तरफ हेक्टर मुनरो है अंग्रेजों की तरफ से, और इधर इन्होंने एक त्रिगुट बना लिया, त्रिगुट में शाह आलम द्वितीय जो उस वक्त का मुगल सम्राट था, शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था, इसको आप यहां से देख सकते हैं पूरा पिक्चर, ये आपके सामने बक्सर के युद्ध का एक स्ट्रक्चर आ रहा है। बक्सर का युद्ध आप देख रहे हैं, एक तरफ अंग्रेज है हेक्टर मुनरो, ये हेक्टर मुनरो है, और मुनरो एक अंग्रेज सेनापति है, और इस अंग्रेज सेनापति ये युद्ध अपने भारत ही नहीं विश्व के इतिहास का निर्णय के दृष्टि से, परिणामों के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण युद्ध है। ये है नवाब शुजाउद्दौला, कौन है नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, यहां कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब था, उसकी हत्या 1757 में ही प्लासी के युद्ध के बाद कर दी गई। ये मीर कासिम इस युद्ध में डायरेक्ट नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बंगाल की सेना थी। और तीसरा इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय है, ये बंगाल नहीं बल्कि मुगल सम्राट था, पूरे मुगल साम्राज्य का सम्राट था, जो उस वक्त बिहार और बंगाल की तरफ मूव कर रहा था। तो एक त्रिगुट बना, हालांकि कहते ये भी हैं कि एक फ्रेंच आर्मी भी इनके साथ थी। ये युद्ध अपने आप में सचमुच में इंपॉर्टेंट है, और इसमें अंग्रेजों ने बहुत बहादुरी दिखाई है, और ये कॉलिशन था, एक गठन किया गया था 3-4 सेनाओं का, इसलिए अंततः इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीते। और इसके उपरांत जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब युद्ध, हर युद्ध के उपरांत एक संधि होती है, ये सारा युद्ध का आज का बक्सर, बक्सर रेलवे स्टेशन है ये, मैंने आपको बताया यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। आज का जब हम उस युद्ध की बात करते हैं तो वॉर स्ट्रेटजी है ये, वॉर का उसका पर्टिकुलर उस बैटल का एक मैप है। यहां से हम देखते हैं इलाहाबाद की संधि हुई, क्लाइव आता है और इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, इसमें एक्चुअली दो संधियां हुई। पहली संधि 12 अगस्त को हुई 1765, और दूसरी संधि 16 अगस्त को हुई। एक तो थी मुगल सम्राट शाह आलम के साथ, और दूसरी थी 16 अगस्त को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। इसके अलावा जो निजामत थी, निजामत पर जो अधिकार था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर जो अधिकार था, वो नवाब का माना गया। इसमें मुगल प्रावधानों को यूज किया गया, और इस प्रकार से बंगाल पर अंग्रेजों का राजस्व संबंधी एक यूं कहें कि प्रभुत्व स्थापित हो गया। जब हम ये आप देख रहे हैं, ये क्लाइव है, और ये पूरा एक तरह से मुगल दरबार बना हुआ है ये आपके सामने। अब आप देखें
कि 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई है। आप देख रहे हैं कंपनी के पास दीवानी अधिकार आ गए, जबकि नवाब के पास निजामत यानी प्रशासन करने के अधिकार आए, और प्रशासन करने के लिए जो भी धन चाहिए 26 लाख रुपए या जो भी 53 लाख रुपए निर्धारित किया गया था, ये 53 लाख रुपए आपको कंपनी यानी कि दीवान देगा, कंपनी देगी, क्योंकि इनको राजस्व मिल रहा है। और इस प्रकार से बंगाल में इन तीन युद्धों के माध्यम से ये पूरा का पूरा प्रभुत्व स्थापित हो गया। और इसीलिए एक इतिहासकार ने लिखा है, डॉडवेल ने लिखा है कि ये जो द्वैत शासन था इसने बहुत नुकसान पहुंचाया बंगाल को, और कहते हैं कि ये उत्तरा ये जो द्वैत शासन है, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये अधिकारों और दायित्वों के बीच एक प्रकार का तलाक था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों का एक प्रभुत्व स्थापित हो गया। धीरे 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 हम देखते हैं कि ये आप 1757 में देख रहे हैं, यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभाव इतना है। 1840 में देखते हैं कि ये पीले पीले क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रभाव कितना बढ़ गया। और 1857 जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, तब तक अंग्रेजों का प्रभाव कितना व्यापक हो जाता है, और धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।